नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। ये सबसे पहले शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बाइक सवार से मिले 499 जिंदा कारतूस। 10 बैग में जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार कारतूस छोड़कर फरार हो गए। पुलिस जांच में चोरी की बाइक निकली है। रंगदारी के मामले में कारतूस सप्लाई का शक है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो देखिए, एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है दिल्ली में बड़ी साजिश। जो बाइक सवार 499 जिंदा कारतूस के साथ जा रहे थे और पुलिस ने धर दबोचा। 10 बैग में जिंदा कारतूस मिले हैं जिससे हड़कंप का माहौल। हालांकि बाइक सवार कारतूस छोड़कर वहां से फरार हो गए और जब पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि जिस बाइक पर वो सवार थे वो बाइक भी चोरी की थी। रंगदारी के मामले में कारतूस सप्लाई होने का शक है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी। बाइक सवार दो व्यक्ति जिनके पास से 499 कारतूस मिली है जिसमें 10 जिंदा कारतूस। अब पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। जैसे ही पुलिस को कोई लीड मिलेगी तब सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। वरुण, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत गंभीर मामला है। दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और क्या अपडेट है हमारे पास? देखिए, जिस सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं वह जिसकी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसको भी जो मामले की जांच है उसके लिए लगा दिया गया है। 499 जिंदा कारतूस मिले हैं चेकिंग के दौरान। वेस्ट दिल्ली में दरअसल ट्रैफिक पुलिस चेकिंग चलाई हुई थी। जब उन्होंने एक बाइक को रोका तो जो बाइक सवार था बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। उसके बाद उन्होंने लोकल पुलिस को वहां पर बुलाया। जब बाइक की तलाशी ली गई उसके अंदर 10 डब्बे थे और इन 10 डब्बों के अंदर 499 जिंदा कारतूस थे। तो आखिरकार किस मकसद से इतनी बड़ी संख्या में जो कारतूस थे ये दिल्ली लाए गए थे? आप लगातार देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से गैंग वॉर और साथ ही रंगदारी एक्सटॉर्शन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में सीसीटीवी फुटेज सामने आया था किस तरीके से बेखौफ 4 बदमाश एक नाइट क्लब के बाहर शूट आउट करते हैं, 10 राउंड फायरिंग करते हैं। वेस्ट दिल्ली में भी लगातार इस तरीके की रंगदारी के कई मामले सामने आए हैं। तो पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो ये गैंगस्टर्स हैं उन्होंने ही ये बड़ी संख्या में कारतूस मंगवाए हो और ये रंगदारी और जो दूसरे गैंग वॉर है उसमें इस्तेमाल होता हो। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का जो बेहद खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिस तरीके से कारतूस बरामद हुए हैं, तो अब पुलिस लोकल पुलिस के साथ साथ सेल भी इस मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है वरुण, शुक्रिया आपका अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और दिल्ली में जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर। पटना में आज सुबह सुबह बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी फैल गई। बीजेपी नेता श्याम सुंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना के सिटी चौक के पास ये वारदात हुई है। बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष थे श्याम सुंदर। सुबह 4 बजे बीजेपी नेता का मर्डर किया गया जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शशांक फोनलाइन पर मौजूद हैं। शशांक, क्या इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, साजिश बताई जा रही है? बीजेपी नेता की हत्या किसने की, कैसे हुई, क्या अपडेट? देखिए, अभी जानकारी ये आ रही है कि चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर अपराधियों ने उनको गोली मार दी जिसके बाद उनको आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। अभी इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ये मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के नेता से, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनकी हत्या हुई है। कानून व्यवस्था पर फिर से एक बार सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। अभी कुछ समय पहले ही एक और बीजेपी नेता की पटना साहिब में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की थी। ये जो घटना हुई है, किन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्यों दिया, इसकी जानकारी जो है वो पुलिस जुटा रही है। घटनास्थल के पास से सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। जो लोग घटना को अंजाम देकर फरार हुए हैं उनको पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। ठीक है, शुक्रिया शशांक आपका जानकारी देने के लिए। तो अभी तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है गोली मारी गई। सुबह 4 बजे का वो समय था, उसके बाद आनंद फानंद में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इनकी मौत हो चुकी थी। अब आगे बढ़ेंगे, 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात होगी सूरत में धार्मिक आयोजन के दौरान हुए पथराव की, जिसके बाद शहर में तनाव का माहौल है। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट जानते हैं। सूरत में धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल। शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा। गणेश पंडाल पर पथराव करने का आरोप। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया।
सूरत में घटना से गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, भीड़ ने तोड़ी कई गाड़ियां, कुछ जगहों पर आगजनी की भी खबर। सूरत में हालात बिगड़ने से पहले पुलिस ने दिखाई सख्ती, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया हल्का बल प्रयोग, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। धार्मिक आयोजन में पथराव की जांच कर रही है पुलिस, सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है हुड़दंगियों की पहचान, तीन नाबालिगों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश, साजिशकर्ताओं की तलाश जारी। सूरत की घटना को लेकर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी, अब तक 27 पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए, बोले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, दो राज्यों में होने वाले चुनाव की बात कर लेते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही दिनों दिन राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। क्या अपडेट है, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने 6 सीटों का ऑफर किया, समझौता न होने की सूरत में आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी पहली लिस्ट। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी कर दी है दूसरी लिस्ट, उचाना कला से विजेंद्र सिंह को टिकट, तो शाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोली विनेश फोगाट, वो राजनीति में आई नहीं, बुलाई गई है, राजनीति में नहीं हो रहा है ईमानदारी से काम। पेरिस ओलंपिक मेडल न मिल पाने पर विनेश फोगाट ने कहा, अगर सही से कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आ सकता था, ये देश का मेडल था, बीजेपी ने विनेश का मेडल बना दिया। ब्रिजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा, ब्रिजभूषण शरण सिंह से कभी नहीं मानेंगे हार, उनके खिलाफ हर हाल में जारी रहेगी लड़ाई। हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूंका चुनावी बिगुल, जींद की जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो, लोगों ने विनेश का स्वागत किया, जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस में शामिल होने पर रेसलर बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आया व्हाट्सएप मैसेज, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि धमकी की जांच होगी। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी में मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय नेताओं को वरीयता देने की मांग कर रहे थे। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पार्टी में नाराजगी को खारिज कर दिया, कहा टिकट बंटवारे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं नाराज, लेकिन उन्हें मना लिया जाता है। और चलिए अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने छात्र संवाद में चीन की जमकर तारीफ की, कहा भारत समेत कई देशों में रोजगार की समस्या, लेकिन चीन में रोजगार को लेकर कोई समस्या नहीं। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला सीधा हमला, दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे के भीतर रखना, जबकि हमारी सोच है महिलाओं को पुरुषों से बराबरी दिलाना। गृहमंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन, देर रात महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर किया मंथन। मुंबई समाचार के 200 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह बोले अल्पसंख्यकों को अधिकार को लेकर झगड़ा करने वाले पारसी समुदाय से सीखें, जो अधिकार की जगह कर्तव्यों को देते हैं तरजीह। पटना पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए लिंचिंग, इस देश में रहते हैं कई धर्म के लोग और सभी को करना चाहिए एक दूसरे के धर्म का सम्मान, हिंसा कतई जायज नहीं। सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर पर जारी सियासत पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जाति का एंगल देने वाले अखिलेश यादव, याद करें अपना कार्यकाल, अगर इतनी ही अच्छी थी व्यवस्था तो जनता ने आखिर नकार क्यों दिया। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान, बीजेपी की नीतियों से ऊब चुकी है जनता, जिसका नतीजा दिखा लोकसभा चुनाव में, सरकार बदलते ही हर फर्जी एनकाउंटर की जांच हुई। चिराग पासवान के साथ सुलह की संभावना पर बोले पशुपति पारस, सब हो चुकी है बहुत देर, पशुपति पारस ने कहा जब पार्टियां टूटती हैं तो वो एक भी हो सकती हैं, लेकिन जब दिल टूटते हैं तो वो जुड़ते हैं। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबर। भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, आज प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच होगी द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों को लेकर अहम बातचीत।
क्राउन प्रिंस के साथ ही इसराइल हमास संघर्ष को लेकर भी हो सकती है बातचीत। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल। क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे। मंगलवार को व्यापार मंच में भाग लेने के लिए मुंबई जाने का है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी 29 पदक जीतने पर। कहा पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन कई उभरते एथलीट्स को प्रेरित किया। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का वीडियो वायरल। धनबाद दौरे के दौरान बीसीसीएल जीएम ने केंद्रीय मंत्री के पैरों से जूते उतारे। कांग्रेस बोली करप्शन छिपाने के लिए कर रहे हैं ये सब अधिकारी। भारत में भी फैला मंकी पॉक्स का खौफ। एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट। विदेश से लौटे एक शख्स में नजर आ रहे मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। अंबानी फैमिली के यहां पर विराजे गणपति। नीता और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश वंदना। परिवार के साथ सदस्यों के साथ कई आध्यात्मिक गुरुओं की मौजूदगी रही। सलमान खान के घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पहुंची बहन अर्पिता और बहनोई आयुष। डेढ़ दिन के बप्पा को पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में बनाया गया था कृत्रिम तालाब। पहले ही दिन लालबाग के राजा के चरणों में आया बड़ा चढ़ावा। भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी चढ़ावे की रकम। जुहू चौपाटी और गिरगांव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा अर्चना के बाद बप्पा को नम आंखों से दी जा रही है विदाई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चलिए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़े अपडेट पर डालते हैं नजर। कोलकाता कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछा। हॉस्पिटल में आधी रात को हजारों उपद्रवी आखिर कैसे घुस गए। बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को निर्देश दिए तुरंत कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं। इसके लिए अगर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक भी बुलानी पड़े तो बुलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के आवेदन पर भी करेगा विचार। गृह मंत्रालय ने कहा आरजीकन हॉस्पिटल की सुरक्षा संभाल रही सीआईएसएफ से बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर आज भी होगा विरोध प्रदर्शन। घटना को एक महीना पूरा होने पर जूनियर डॉक्टर्स निकालेंगे रैली। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक बनी सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। करीब 15 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। मानव श्रृंखला में हजारों लोग इकट्ठा हुए। कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं ने निकाली रैली। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुस्लिम समिति की महिलाएं हुई शामिल। आज बंगाल सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक। मीटिंग में मौजूद रहेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यों से जुड़ी जरूरी विषयों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगी मुख्यमंत्री। देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। क्या अपडेट है देखिए 9 सेकंड न्यूज। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। ओडिशा में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। 11 सितंबर तक समंदर में न जाने की सलाह। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद आना सागर झील के पानी की निकासी। झील के पानी को एस्केप चैनल के माध्यम से किया जा रहा है रिलीज। गुलाब बाग मार्ग 3 दिनों के लिए बंद। अजमेर में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। आज पहली कक्षा से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से उफान पर आया बरसाती नाला। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग। सड़क पर पानी आने की वजह से लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। टोंक में तीसरे दिन भी की गई बीसलपुर बांध से पानी की निकासी। पानी बढ़ने की वजह से गेट खोलकर रिलीज किया जा रहा है पानी। एक गेट 2 मीटर और बाकी 5 गेट्स को 1-1 मीटर खोला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें। जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए लोग। नदी नालों में उफान आने से कई गांवों का संपर्क भी कटा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से उफान पर सीता नदी। सड़क पर पानी बहने से लगी वाहनों की कतार। एम्बुलेंस भी घंटों तक फंसी रही। भारी बारिश से उफान पर बह रही है नदी।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के साथ बह गई एक कार, निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिकनिक मना रहे थे लोग, नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से कार छोड़कर भागते दिखे। बिहार के सहरसा में कोसी नदी से आई इलाके में बाढ़, नदी की वजह से प्राइमरी स्कूल पर खतरा, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारे से लगते इलाके पर तेजी से हो रही है मिट्टी का कटाव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बरसाती नालों में आया उफान, नालों में बहने की वजह से बाल बाल बची एक कार, मूसलाधार बारिश की वजह से देवखड़ी नाला उफान पर बहने लगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में उफान पर बह रही है कुवारी नदी, जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे हैं आवाजाही, लोगों को सुरक्षित आवाजाही कराने के लिए मौके पर मौजूद नहीं है प्रशासन। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 9 सेकंड न्यूज में बात करेंगे ऑपरेशन भेड़िए की। यूपी के बहराइच में अभी भी आदमखोर भेड़िए वन विभाग की पहुंच से दूर है। और पहली खबर, बहराइच में भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की ली गई मदद, जंगल में मूवमेंट होते ही हरकत में आ जाती है वन विभाग की टीम, मगर अभी तक नहीं मिली है वन विभाग को कोई भी कामयाबी। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी हुई है वन विभाग की टीम, सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की बांध के पास रखी जा रही है नजर, वन विभाग की टीम कर रही है मॉनिटरिंग। इंसानों के साथ ही लोगों के मवेशियों को भी शिकार बना रहे हैं भेड़िए, वन निगम के जीएम संजय पाठक का बयान, कहा गांव वाले अपने बच्चों से ज्यादा हिफाजत अपनी बकरियों की कर रहे हैं। बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल, वन विभाग जंगल में चला रहा है सर्च ऑपरेशन, अभी तक भेड़ियों की मौजूदगी के नहीं मिले निशान, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। मेरठ के आसपास तेंदुए का आतंक जारी है, जंगल में एक साथ दिखे कई तेंदुए, वन विभाग की टीम ने जंगल में चलाया सर्च ऑपरेशन, थाना किठौर इलाके में नजर आए तेंदुए। तेंदुए की तलाश में हापुड़ के धौलाना पहुंची वन विभाग की टीम, तेंदुए का खेतों में घूमते वीडियो हुआ था वायरल, कई घंटों की खोजबीन के बाद भी नहीं लगा कोई सुराग, लोगों से सतर्क रहने की दी गई सलाह। और चलिए देखिए, भारत से इसराइल को हथियार सप्लाई रुकवाने की मांग का ये मामला है और इसी से जुड़ा हर अपडेट 9 सेकंड न्यूज। भारत से इसराइल को हथियार सप्लाई रुकवाने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, हमास के साथ चल रहे युद्ध का दिया गया हवाला। जनगणना के दौरान ओबीसी जातियों की सही तरीके से गणना और जाति आधारित आंकड़ों के प्रकाशन करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जुलाई के महीने में सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासन के आदेश पर लगाई थी अंतरिम रोक। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, आरक्षण नियमों का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी थी रद्द, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, खत्म हो रही आज अमानतुल्ला खान की 3 दिन की ईडी रिमांड। ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का सर्वे एसआई से कराए जाने की मांग, दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए अपराध से जुड़ी हर बड़ी खबर। कुमार विश्वास को मिली धमकी, सिंगापुर में रामकथा करने के दौरान धमकी भरी कॉल आई, इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुआ मामला, छानबीन में जुटी है पुलिस। मेरठ में झुरानपुर क्रॉसिंग के पास मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम के ऊपर गोली चलाई, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के मऊ में जिला कारागार में कैदी ने फांसी लगा ली, बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, पोस्को एक्ट के तहत हुई थी गिरफ्तारी। बरेली में रातों रात मस्जिद पर किया 3 मीनारों का निर्माण, सुबह लोगों ने देखा तो हुआ हंगामा, हिंदू संगठनों ने किया अवैध निर्माण का विरोध, प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात, युवक ने अपनी 2 बेटियों की हत्या करने के बाद लगाई फांसी, वारदात के समय मृतक की पत्नी गई थी घर से बाहर। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्यूमिनियम प्लांट में धमाका, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल, मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस डीरेल करने की साजिश नाकाम। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास ट्रैक पर रखा था सिलेंडर, ट्रेन से टक्कर लगने के बाद सिलेंडर में धमाका हुआ, 30 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। मेरठ साउथ स्टेशन पर रैपिड रेल का इंतजार कर रहे यात्रियों का हंगामा, घंटों तक रेल का इंतजार करने के बाद यात्रियों ने किया हंगामा, लोग बोले आम ट्रेन के जैसा हो गया रैपिड रेल का भी हाल। संभल में बेकाबू ट्रक मंदिर की दीवार से टकराया, स्पीड ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ, मंदिर की रेलिंग और चबूतरा टूटा, मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देश से जुड़ी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, नौशेरा में सेना ने दो आतंकियों को ढेर किया, भारी संख्या में हथियार बरामद, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बहराइच में भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की ली गई मदद, जंगल में मूवमेंट होते ही हरकत में आ जाती है वन विभाग की टीम, मगर अभी तक नहीं मिली वन विभाग को कामयाबी। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी हुई है वन विभाग की टीम, सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों की मांद के पास रखी जा रही है नजर, वन विभाग की टीम कर रही है मॉनिटरिंग। इंसानों के साथ ही लोगों के मवेशियों को भी शिकार बना रहे हैं भेड़िए, वन निगम के जीएम संजय पाठक का बयान, कहा गांव वाले अपने बच्चों से ज्यादा हिफाजत अपनी बकरियों की कर रहे हैं। बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल, वन विभाग जंगल में चला रहा है सर्च ऑपरेशन, अभी तक भेड़ियों की मौजूदगी के नहीं मिले कोई निशान, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। राजस्थान के उदयपुर में पैंथर का आतंक, रविवार को पैंथर ने तीन महिलाओं पर हमला किया, दो महिलाएं बचकर भाग निकली, हमले में एक महिला की मौत, घटना से गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम किया। मेरठ के आसपास के इलाके में तेंदुए का आतंक, जंगल में एक साथ देखे गए कई तेंदुए, वन विभाग की टीम ने जंगल में चलाया सर्च ऑपरेशन, थाना के ठौर इलाके में नजर आए तेंदुए। तेंदुए की तलाश में हापुड़ के धौलाना पहुंची वन विभाग की टीम, तेंदुए का खेतों में घूमते वीडियो वायरल हुआ था, कई घंटे की खोजबीन के बाद भी नहीं लगा कोई सुराग, लोगों से सतर्क रहने की दी गई सलाह। कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी, पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछा हॉस्पिटल में आधी रात को हजारों उपद्रवी कैसे घुस गए। सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के आवेदन पर भी करेगा विचार, गृह मंत्रालय ने कहा आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा संभाल रही सीआईएसएफ से बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को निर्देश दिए, तुरंत कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाएं, इसके लिए अगर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़े तो बुलाई जाए। लेडी डॉक्टर के साथ ही हुई घटना को लेकर आज भी होगा विरोध प्रदर्शन, घटना को एक महीना पूरा होने पर जूनियर डॉक्टर्स निकालेंगे रैली। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक बनी सबसे बड़ी मानव श्रृंखला, करीब 15 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई, मानव श्रृंखला में हजारों लोग इकट्ठा हुए। कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं ने निकाली रैली, महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में मुस्लिम समिति की महिलाएं हुई शामिल। बंगाल सचिवालय में आज प्रशासनिक समीक्षा बैठक, मीटिंग में मौजूद रहेंगी सीएम ममता बनर्जी, राज्यों से जुड़े जरूरी विषयों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेंगी मुख्यमंत्री। भारत से इसराइल को हथियार सप्लाई रुकवाने की मांग का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, हमास के साथ चल रहे युद्ध का दिया हवाला। जनगणना के दौरान ओबीसी जातियों की सही तरीके से गणना और जाति आधारित आंकड़ों के प्रकाशन करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, जुलाई के महीने में हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासन के आदेश पर लगाई थी अंतरिम रोक। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, आरक्षण नियमों का पालन न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द की थी, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, खत्म हो रही है आज अमानतुल्ला खान को 3 दिन की ईडी रिमांड। ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का सर्वे एसआई से कराए जाने की मांग, दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सूरत में धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल, शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा, गणेश पंडाल पर पथराव करने का आरोप, गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव। सूरत में घटना से गुस्साए लोगों ने की वाहनों में तोड़फोड़, भीड़ ने तोड़ी कई गाड़ियां, कई जगहों पर आगजनी की भी खबर। सूरत में हालात बिगड़ने से पहले पुलिस ने दिखाई सख्ती, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े।
धार्मिक आयोजन में पथराव की जांच कर रही है पुलिस। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है हुड़दंगियों की पहचान। तीन नाबालिगों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश, साजिशकर्ताओं की तलाश जारी। सूरत की घटना को लेकर गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। अब तक 27 पत्थरबाज गिरफ्तार किए, बोले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्यूमिनियम प्लांट में धमाका, हादसे में चार लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुमार विश्वास को मिली धमकी, सिंगापुर में रामकथा करने के दौरान आई धमकी भरी कॉल। इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुआ मामला, छानबीन में जुटी पुलिस। मेरठ में जुरानपुर क्रॉसिंग के पास मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश ने पुलिस की टीम के ऊपर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ, तमंचा और कारतूस भरा। यूपी के मऊ में जिला कारागार में कैदी ने फांसी लगा ली, बाथरूम में फांसी के फंदे पर शव लटका मिला, पोस्को एक्ट के तहत हुई थी गिरफ्तारी। बरेली में रातों रात मस्जिद पर किया तीन मीनारों का निर्माण, सुबह लोगों ने देखा तो हुआ हंगामा। हिंदू संगठनों ने अवैध निर्माण का विरोध किया, प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात, युवक ने अपनी दो बेटियों की हत्या करने के बाद फांसी लगाई। वारदात के समय मृतक की पत्नी घर से बाहर थी। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का वीडियो वायरल, धनबाद दौरे के दौरान बीसीसीएल जीएम ने केंद्रीय मंत्री के पैरों से उतारे जूते। कांग्रेस बोली करप्शन छिपाने के लिए ये सब कर रहे हैं अधिकारी। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस डीरेल करने की साजिश नाकाम, शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास ट्रैक पर रखा था सिलेंडर, ट्रेन से टक्कर के बाद सिलेंडर में धमाका, 30 मिनट तक रुकी रही ट्रेन। मेरठ साउथ स्टेशन पर रैपिड रेल का इंतजार कर रहे यात्रियों का हंगामा, घटना घंटों तक रेल का इंतजार करने के बाद यात्रियों ने हंगामा किया। लोग बोले आम ट्रेन के जैसा ही हो गया है रैपिड रेल का भी हाल। संभल में बेकाबू ट्रक मंदिर की दीवार से टकराई, स्पीड ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ, मंदिर की रेलिंग और चबूतरा टूटा, मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भारत में भी फैला मंकी पॉक्स का खौफ, एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट, विदेश से लौटे एक शख्स में नजर आ रहे मंकी पॉक्स के लक्षण, स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। पहले ही दिन लालबाग के राजा के चरणों में बड़ा चढ़ावा आया, भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी चढ़ावे की रकम। अंबानी फैमिली के यहां विराजे गणपति, नीता और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश वंदना, परिवार के सात सदस्यों के साथ साथ कई आध्यात्मिक गुरुओं की भी मौजूदगी रही। जुहू चौपाटी और तरगांव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा अर्चना के बाद बप्पा को नम आंखों से दी जा रही है विदाई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सलमान खान के घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पहुंची उनकी बहन अर्पिता और बहनों आयुष, डेढ़ दिन के बप्पा को पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया, गैलेक्सी अपार्टमेंट में बनाया गया था कृत्रिम ताला। और चलिए अब तीव्र गति से जान लेते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने छात्र संवाद में चीन की जमकर तारीफ की, कहा भारत समेत कई देशों में रोजगार की समस्या, लेकिन चीन में रोजगार को लेकर कोई समस्या नहीं। राहुल गांधी ने इशारों में मौजूदा सरकार पर हमला बोला, भारत में स्किल बहुत है लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा जब तक स्किल का नहीं होगा आदर तब तक विकास संभव नहीं। देश की शिक्षा व्यवस्था पर बोले राहुल गांधी, शिक्षा पर आइडियोलॉजी का हो गया है कब्जा, यूनिवर्सिटीज में आरएसएस की आइडियोलॉजी के वाइस चांसलर्स की हो रही है नियुक्ति। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला सीधा हमला, दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे के भीतर रखना, जबकि हमारी सोच है महिलाओं को पुरुषों से बराबरी दिलाना। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगा दिया, कहा कि किसानों को राहत देने की जगह पर 25 कारोबारियों को इसका फायदा मिल रहा है, टैक्स के पैसों से कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं। राहुल ने कहा संवाद के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, संसद में भी दबाई जाती है आवाज, मीडिया भी विपक्ष को नहीं दिखाता, कहीं पर भी लीगल सिस्टम में नहीं सुनी जाती विपक्ष की बात। राहुल गांधी ने जाति गणना की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि देश में संस्थागत ढांचे पर कुछ खास लोगों का कब्जा है और इसीलिए कांग्रेस कर रही है जाति जनगणना की वकालत। भारत जोड़ो यात्रा पर किए गए सवाल को लेकर राहुल गांधी ने जवाब दिया, भारत जोड़ो यात्रा नहीं था कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा, देश की जनभावना को सुनने और समझने का माध्यम बनी है यात्रा।
भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, आज प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों को लेकर अहम बातचीत होगी। क्राउन प्रिंस के साथ ही इजराइल हमास संघर्ष को लेकर भी हो सकती है बातचीत। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल। क्राउन प्रिंस का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे। मंगलवार को व्यापार मंच में भाग लेने के लिए मुंबई जाने का है कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन, देर रात महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुआ मंथन। मुंबई समाचार के 200 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह का बयान, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर झगड़ा करने वाले पारसी समुदाय से सीखें, जो अधिकार की जगह पर कर्तव्यों को देते हैं तरजीह। पटना पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए लिंचिंग। इस देश में रहते हैं कई धर्मों के लोग और सभी को एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, हिंसा कतई जायज नहीं। सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर पर जारी सियासत पर यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान, जाति का एंगल देने वाले अखिलेश यादव याद करें अपना कार्यकाल, अगर इतनी ही अच्छी थी व्यवस्था तो जनता ने आखिर नकार क्यों। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान, बीजेपी की नीतियों से ऊब चुकी है जनता, जिसका नतीजा दिखा लोकसभा के चुनाव में, सरकार बदलते ही हर फर्जी एनकाउंटर की जांच होगी। चिराग पासवान के साथ सुलह की संभावना पर पशुपति पारस बोले, अब हो चुकी है बहुत देर। पशुपति पारस ने कहा, जब पार्टियां टूटती हैं तो वो एक भी हो सकती हैं, लेकिन अगर दिल टूटते हैं तो वो नहीं जुड़ती। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पार्टी में नाराजगी को खारिज किया, कहा कि टिकट बंटवारे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाते हैं लेकिन बाद में उन्हें मना लिया जाता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस ने 6 सीटों का ऑफर दिया, समझौता न होने की सूरत में आम आदमी पार्टी आज जारी कर देगी अपनी पहली लिस्ट। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी कर दी है दूसरी लिस्ट। उचाना कला से बृजेंद्र सिंह को टिकट, तो शाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोली विनेश फोगाट, राजनीति में आई नहीं है बल्कि लाई गई है, राजनीति में नहीं हो रहा है ईमानदारी से काम। पेरिस ओलंपिक मेडल न मिल पाने पर विनेश फोगाट ने कहा, अगर सही से कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आ सकता था, ये देश का मेडल था, बीजेपी ने इसे विनेश का मेडल बना दिया। ब्रजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह से कभी नहीं मानेंगे हार, उनके खिलाफ हर हाल में जारी रहेगी लड़ाई। हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूंका चुनावी बिगुल, जींद के झुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो, लोगों ने विनेश का स्वागत किया। झुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस में शामिल होने पर रेसलर बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी मिली, विदेशी नंबर से आया व्हाट्सएप मैसेज, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा धमकी की जांच होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए राजस्थान में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं, इंदिरा मार्केट से लेकर सदर बाजार तक सब पानी पानी है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देख लीजिए तस्वीरें, किस तरीके से आसमानी आफत लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। राजस्थान की ये तस्वीर है जहां पर भारी बारिश हुई और उसके बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, कई जगहों पर जल जमाव की समस्या। देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं और किस तरीके से इसी पानी से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक मानो लग गया है। यहाँ पर राजस्थान की तस्वीर, भारी बारिश और उसके बाद लगातार लोगों की दिक्कतें बढ़ती हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। ओडिशा में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट, 11 सितंबर तक समंदर में न जाने की सलाह। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद आना सागर झील के पानी की निकासी, झील के पानी को एस्केप चैनल के माध्यम से किया जा रहा है रिलीज, गुलाबबाग मार्ग 3 दिनों के लिए बंद। अजमेर में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका, आज पहली कक्षा से 12वीं तक स्कूलों में छुट्टी।
राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से उफान पर बरसाती नाला, जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते दिखे लोग, सड़क पर पानी आने से लोगों में आवाजाही में हुई दिक्कत। टोंक में तीसरे दिन भी की गई बीसलपुर बांध से पानी की निकासी, पानी बढ़ने की वजह से गेट खोलकर रिलीज किया जा रहा है पानी, एक गेट 2 मीटर और बाकी 5 गेट्स को 1-1 मीटर खुला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें, जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर हुए लोग, नदी नालों में उफान आने से कई गांवों का संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से उफान पर सीता नदी, सड़क पर पानी बहने से वाहनों की कतार लगी, एम्बुलेंस भी घंटों तक फंसी रही, भारी बारिश से उफान पर बह रही है नदी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के साथ बह गई कार, निर्माणाधीन पुल के नीचे पिकनिक मना रहे थे लोग, नदी में पानी का बहाव तेज हुआ, कार छोड़कर भागते दिखे लोग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में इलाके में बाढ़ आई, नदी की वजह से प्राइमरी स्कूल पर खतरा, नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे से लगते इलाके पर तेजी से हो रहा है मिट्टी का कटान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बरसाती नाले में आया उफान, नाले से बहने से बाल बाल बची कार, मूसलाधार बारिश की वजह से देवखड़ी नाला उफान पर बहने लगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में उफान पर बहती दिखी कुवारी नदी, जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे हैं आवाजाही, लोगों को सुरक्षित आवाजाही कराने के लिए मौके पर मौजूद नहीं है प्रशासन। और देखिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल भिलाई रायपुर हाईवे पर मस्जिद के नाम पर 2.5 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया, भिलाई नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से भी ये कार्रवाई हुई है और प्रशासन का बुलडोजर अवैध मजार, दुकानों, वेडिंग हॉल पर चला है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहीं पर तैनात रहे। भारी फोर्स के बीच प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का दुर्ग और यहां पर जो अवैध निर्माण थे उन्हें बुलडोजर के जरिए गिराया गया है। बुलडोजर एक्शन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देखने को मिला है, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती और इसी बीच भारी फोर्स के साथ प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है।